हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनिल के शर्मा और आज का हमारा वीडियो लेक्चर पैरेलल डेटाबेस में फिफ्थ वीडियो लेक्चर है। और इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि डेटा पार्टिशनिंग क्या है। क्वेरी पैरेललिज्म फॉर डेटाबेस प्रोसेसिंग। तो आइए देखते हैं कि डेटाबेस प्रोसेसिंग के लिए क्वेरी पैरेललिज्म क्या है। तो इसमें देखेंगे हम कि इनपुट आउटपुट पैरेललिज्म क्या होता है। तो इनपुट आउटपुट पैरेललिज्म जो है इज द फॉर्म ऑफ पैरेललिज्म। इनपुट आउटपुट पैरेललिज्म एक पैरेललिज्म का टाइप है, एक प्रकार का पैरेललिज्म है इन विच जिसमें टेबल्स और रिलेशंस। टेबल्स क्या होती हैं? डेटाबेस सिस्टम में फाइल्स को टेबल बोला जाता है और इस टेबल में कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है रिकॉर्ड्स के फॉर्म में। और रिलेशंस जो है बहुत सारे टेबल्स आपस में जब जुड़े हुए होते हैं और इन टेबल्स में इंफॉर्मेशन होती है तो ऐसे टेबल्स को रिलेशंस बोलते हैं। तो इनपुट आउटपुट पैरेललिज्म में क्या होता है कि टेबल्स और रिलेशंस को बहुत सारे पार्टीशन में तोड़ दिया जाता है और तोड़ करके इच पार्टीशन को मल्टीपल डिस्क के ऊपर स्टोर कर दिया जाता है। मल्टीपल डिस्क का मतलब मल्टीपल स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर जो है टेबल्स के पार्टीशन को स्टोर कर दिया जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है? इससे फायदा ये होता है कि डेटाबेस सिस्टम की तरफ अगर यूजर्स ने अपने डेटाबेस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को फेच करने के लिए, ठीक है, डेटाबेस सिस्टम की तरफ जहां पर कंपनी का पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर है, वहां पर जब रिक्वेस्ट आती है तो डेटाबेस सिस्टम यूजर के रिक्वेस्ट को रीड करता है कि यूजर को कौन सी इंफॉर्मेशन की जरूरत है। और उसके बाद डेटाबेस सिस्टम क्या करता है कि यूजर के रिक्वायर्ड वाले इंफॉर्मेशन, रिक्वायर्ड वाले टेबल को डिस्क से क्या करता है, फेच करता है, रीड करता है, और रीड करने के बाद यूजर को इंफॉर्मेशन सेंड कर देता है। तो यहाँ पर डेटाबेस सिस्टम जो है डिस्क से जो भी रिलेशन या जो भी टेबल फेच कर रहा है डेटाबेस सिस्टम, उस रिलेशन या उस टेबल को फेच करने में, रीड करने में, इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने में जो है डेटाबेस सिस्टम को टाइम कम लगता है, टाइम रिड्यूस हो जाता है टेबल को फेच करने में। तो इनपुट आउटपुट पैरेललिज्म में यही होता है कि डेटाबेस सिस्टम यूजर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंफॉर्मेशन सेंड करने के लिए जब डेटाबेस सिस्टम डिस्क में से कोई भी टेबल को रीड करता है, फेच करता है, रिट्रीव करता है, तो टेबल को रिट्रीव करने में डेटाबेस सिस्टम को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि इनपुट आउटपुट यहाँ पे पैरेललिज्म के फॉर्म में है। तो पैरेललिज्म के फॉर्म में कैसे है तो यहाँ आगे समझते हैं। तो ये पैरेललिज्म के फॉर्म में ऐसे है कि इसमें क्या होता है, इनपुट डेटा इज पोर्शन। इसमें क्या होता है कि मल्टीपल यूजर्स ने अगर रिक्वेस्ट भेजी है तो हर यूजर्स की जो है इंफॉर्मेशन के लिए जब डेटाबेस सिस्टम डिस्क को रीड करेगा तो डिस्क को रीड करने के लिए डेटाबेस सिस्टम जो है एक यूजर के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जब डेटाबेस सिस्टम जो है डिस्क को रीड करेगा तो रीड करने के लिए जो है इनपुट डेटा को भी पार्टीशन कर देगा। मतलब डिस्क पे डेटा की जब रीडिंग होगी तो डेटा की रीडिंग जो होगी वो मल्टीपल फॉर्म में होगी, मल्टीपल फॉर्म में होगी, उसी को बोला जा रहा है इनपुट डेटा को पोर्शन कर दिया जाता है। पोर्शन मतलब इनपुट डेटा, यानी कि डिस्क पे से डेटा को रीड करना है तो एक ही जो है डेटाबेस का एक ही सिस्टम उसको रीड नहीं करेगा बल्कि डेटाबेस के चार पांच सिस्टम जो है डिस्क को रीड करेगा एक ही इंफॉर्मेशन को, एक ही टेबल को फेच करने के लिए। तो उसी को कहा जा रहा है कि इनपुट डेटा को क्या किया जा रहा है, पोर्शन कर दिया जा रहा है। और पोर्शन कर दिया जाता है मतलब डेटाबेस सिस्टम एक ही टेबल को रीड करने के लिए जो है एक सिस्टम ने चार पांच सिस्टम जो है एक साथ एग्जीक्यूट कर देता है एक ही टेबल को रीड करने के लिए। तो यहां पर वही कहा जा रहा है कि इनपुट डेटा इज पोर्शन एंड देन इच पार्टीशन इज प्रोसेस्ड इन पैरेलल। और उसके बाद
डेटाबेस सिस्टम ने एक ही टेबल को रीड करने के लिए चार पांच फंक्शन जो उसने एग्जीक्यूट कर दिया है, तो उन चारों पांचों फंक्शन को एक पैरेलल वे में एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और एग्जीक्यूट करके चारों पांचों फंक्शन एक ही टेबल को रीड करके जो है चारों पांचों फंक्शन जो है अपना अपना रिजल्ट देते हैं, और बाद में डेटाबेस सिस्टम क्या करता है उन चारों फंक्शन के चारों को रिजल्ट को लेकर के एक साथ कंबाइंड करके यूजर को सेंड कर देता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब चार पांच फंक्शन डेटाबेस एग्जीक्यूट करेगा एक ही टेबल को रीड करने के लिए, तो उसके बाद क्या किया जाता है कि रिजल्ट आर कंबाइंड आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ ऑल पोर्शन डेटा। तो चार पांच फंक्शन ने एक टेबल को रीड किया तो चार पांच पोर्शन बन गए, तो चार पांच पोर्शन वाला जो फंक्शन है, जो भी रिजल्ट उसने चार पांच फंक्शन ने दिए हैं, उन चार पांच फंक्शन के रिजल्ट को एक साथ प्रोसेस करके और कंबाइन करके रिजल्ट दे देता है। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं है, आगे दूसरे और तीसरे वीडियोस में जो है ये जितना भी समझाया जा रहा है ये आगे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली जो है इस वीडियो लेक्चर में मेरा जो मोटिव है वो ये है कि आपको ये समझ में आ जाए कि डेटा पार्टिशनिंग क्या है, क्योंकि ओरेकल के डेटाबेस में डेटा पार्टिशनिंग आपको थ्योरेटिकली ही नहीं बल्कि प्रैक्टिकल फॉर्म में भी आपको आना चाहिए। तो जब मैं डेटाबेस टेक्नोलॉजी आगे स्टार्ट करूंगा तो वहां पर डेटाबेस की पार्टिशनिंग मैं जो है प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। तो वहां पर जब इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन हो जाएगा तो ये बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पर जो है मेरे वीडियोस को यहाँ पर दिखाने का मतलब है कि आप पहले थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में आप अवेयर हो जाइए कि डेटाबेस सिस्टम में सारे फंक्शन या पूरा का पूरा डेटाबेस काम कैसे करता है, उसके बाद आगे जो है सारा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में जब मैं समझाऊंगा तो आपको पूरी नॉलेज हो जाएगी और डेटाबेस का प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाएगी तो आप बहुत अच्छे से कंपनी में काम कर पाएंगे। तो इनपुट आउटपुट पैरेललिज्म इज आल्सो कॉल्ड डेटा पार्टिशनिंग। तो यही मेन जो है टॉपिक है हमारे इस वीडियो लेक्चर का कि हमें समझना है कि डेटा पार्टिशनिंग क्या है। तो इनपुट आउटपुट पैरेललिज्म को डेटा पार्टिशनिंग भी कहा जाता है। और डेटा पार्टिशनिंग क्या होती है, इट इज़ द टेक्निक ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग डेटा। ये एक टेक्निक है जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन है तो बहुत सारे इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है अलग अलग टेबल्स में, अलग अलग डिस्क पर और अलग अलग साइट्स पे, ताकि कोई भी यूजर, कोई भी डेटाबेस यूजर अगर जो है कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करना चाहता है तो उसकी क्वेरी प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल इम्प्रूव हो जाए और डेटाबेस की मैनेजेबिलिटी इंक्रीज हो जाए, मतलब क्वेरी प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस बिल्कुल इम्प्रूव हो जाए, इसलिए जो है डेटा पार्टिशनिंग को यूज करते हैं। तो बेसिकली देयर आर फोर टाइप्स ऑफ पार्टिशनिंग टेक्निक्स। चार प्रकार की पार्टिशनिंग टेक्निक होती है। पहले को हैश पार्टिशनिंग बोलते हैं, दूसरे को रेंज पार्टिशनिंग बोलते हैं, तीसरे को राउंड रॉबिन पार्टिशनिंग बोलते हैं और चौथे को लिस्ट पार्टिशनिंग बोलते हैं। तो हमारे जो है इस वीडियो लेक्चर में हैश पार्टिशनिंग, रेंज पार्टिशनिंग, राउंड रॉबिन पार्टिशनिंग और लिस्ट पार्टिशनिंग का यहाँ पर थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा सारा, बट आगे डेटाबेस 11G या 12C जब मैं पढ़ाऊंगा SQL प्रॉम्प्ट पे, डेटाबेस के प्रॉम्प्ट पे, ओरेकल प्रॉम्प्ट पे, तो वहाँ पर हैश पार्टिशनिंग पूरा टेबल्स के अंदर हैश पार्टिशनिंग कैसे करते हैं, रेंज पार्टिशनिंग कैसे करते हैं, राउंड रॉबिन पार्टिशनिंग कैसे करते हैं, लिस्ट पार्टिशनिंग कैसे करते हैं, तो वो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल मैं पूरा करके दिखाऊंगा। तो वो आप समझ करके उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ओरेकल के फील्ड में ये बहुत काम आएगा। यहाँ सिर्फ थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, आप थ्योरेटिकली समझिए कि हैश पार्टिशनिंग,
रेंज पार्टिशनिंग या लिस्ट पार्टिशनिंग, ये सारी पार्टिशनिंग होती क्या है, इसमें क्या होता है। हैश पार्टिशनिंग, तो डेटा पार्टिशनिंग में हम आइए समझते हैं सबसे पहले कि हैश पार्टिशनिंग क्या है और उसके बाद समझेंगे कि रेंज पार्टिशनिंग क्या है। तो हैश पार्टिशनिंग इज वन ऑफ द पार्टिशनिंग मेथड। हैश पार्टिशनिंग जो है वो पार्टिशनिंग का एक मेथड है वेयर हैश एल्गोरिथम इज यूज टू डिस्ट्रीब्यूट डेटा इक्वली अमंग मल्टीपल पार्टीशंस। तो हैश पार्टिशनिंग में क्या होता है कि हैश एल्गोरिथम जो है यूज होता है इंटरनली, और वो हैश एल्गोरिथम क्या करता है कि डेटा को, इंफॉर्मेशन को इक्वली मल्टीपल पार्टीशंस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इन दिस टेक्निक वन और मोर एट्रीब्यूट्स फ्रॉम गिवन इच टेबल और रिलेशन आर डिजाइंड एज पार्टिशनिंग एट्रीब्यूट्स। तो जब हम हैश पार्टिशनिंग को क्रिएट करते हैं तो जितने भी टेबल्स हमारे पास दिए गए हैं तो हर टेबल में से जो है हम एक या एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स लेते हैं। एट्रीब्यूट्स का मतलब यहाँ पर कॉलम नेम से है, तो कॉलम नेम को लेते हैं और उसी कॉलम नेम को हम पार्टिशनिंग कॉलम नेम या पार्टिशनिंग एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ये समझ में आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल क्रिएट टेबल EMP2, हम एक टेबल क्रिएट करते हैं जिसका नाम है EMP2। तो SQL प्रॉम्प्ट पे जब टेबल को क्रिएट करते हैं तो हम लिखते हैं क्रिएट, क्रिएट के बाद फिर लिखते हैं हम टेबल, और उसके बाद टेबल का जो भी नाम देना है वो नाम देंगे। तो मैंने नाम दिया है EMP2। उसके बाद ये EMP2 नाम का एक टेबल क्रिएट करेगा और इस टेबल में एट्रीब्यूट्स या फिर कॉलम के नेम कौन कौन से होने चाहिए वो नाम देंगे। तो मैंने EMP2 नाम के टेबल में एक कॉलम नाम दिया है EMP नंबर, उसके बाद दूसरा EMP नेम ई नेम, और तीसरा सेल सैलरी। और उसके बाद जो है इसका मैं हैश पार्टिशनिंग क्रिएट कर रहा हूँ, इसलिए पार्टीशन लिखना है, उसके बाद बाय, उसके बाद हैश, और जिस भी एट्रीब्यूट्स के ऊपर हैश पार्टिशनिंग को अप्लाई करना है उस एट्रीब्यूट्स या उस कॉलम का नाम डालना है। तो EMP नंबर ये मैंने डाला है, और उसके बाद ये कितने पार्टीशन में कितनी पार्टिशनिंग बनानी है इस टेबल की, तो मुझे 3 पार्टिशनिंग बनानी है। तो 3 लिख करके उसके बाद तीनों पार्टीशन का मैं एक नाम डालूंगा। तो मैंने 3 पार्टीशन का नाम दिया है EMP TS1, EMP TS2, EMP TS3। तो स्टोर इन EMP TS1, EMP TS2, EMP TS3। तो EMP2 नाम का एक टेबल बनाया, उसमें कॉलम नेम मैंने दिया EMP नंबर, ई नेम, सेल, और ये नाम दे करके उसको 3 पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया। मतलब इस टेबल के अंदर, EMP2 टेबल के अंदर मैं जितने भी रिकॉर्ड्स डालूंगा तो 3 पार्ट में डिवाइड हो करके ये रिकॉर्ड EMP TS1, EMP TS2, EMP TS3 में जो है स्टोर हो जाएगा। लेट सपोज मैंने EMP2 में मैंने 30 रिकॉर्ड इंसर्ट किए, तो 30 रिकॉर्ड में क्या होगा कि 10 रिकॉर्ड तो EMP TS वाले पार्टीशन में चला जाएगा, अगला 10 रिकॉर्ड EMP TS2 वाले पार्टीशन में चला जाएगा, और नेक्स्ट 10 रिकॉर्ड जो है EMP TS3 में जाकर के स्टोर हो जाएगा। और उसके बाद जो है इन तीनों पार्टीशन को, EMP TS1 को हम एक डिस्क के ऊपर स्टोर कर देंगे, EMP TS2 को दूसरे डिस्क के ऊपर स्टोर कर देंगे, और EMP TS3 को हम तीसरे डिस्क के ऊपर स्टोर कर देंगे। तो इस तरीके से हैश पार्टिशनिंग की जाती है, और इन तीनों पार्टीशन में जो इक्वली डेटा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो हो रहा है हैश एल्गोरिथम की वजह से, जो हैश पार्टिशनिंग में ऑलरेडी डिफाइंड होती है। अब समझते हैं कि रेंज पार्टिशनिंग क्या है। तो इन दिस टेक्निक एडमिनिस्ट्रेटर स्पेसिफाइज सर्टेन रेंज ऑन इच डिस्क फॉर डेटा टू बी प्लेस। तो रेंज पार्टिशनिंग में क्या होता है कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर
हर पार्टीशन के ऊपर एक रेंज फिक्स कर देता है कि भाई 1 से लेकर के 10 हजार तक डेटा एक डिस्क में आना चाहिए, उसके बाद 10 हजार एक से लेकर के 20 हजार जो है डेटा या रिकॉर्ड दूसरे डिस्क में आना चाहिए, और 20 हजार एक से लेकर के 30 हजार रिकॉर्ड जो है तीसरे डिस्क में आना चाहिए। तो इस तरीके से डीबीए ने क्या किया, हर डिस्क के ऊपर एक रेंज फिक्स कर दिया है, तो उसी रेंज के हिसाब से डेटा या इन्फॉर्मेशन डिस्क के ऊपर स्टोर हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल, रेंज पार्टिशनिंग विद 3 डिस्क नंबर 0, 1, 2 एंड माइट प्लेस टपल्स फॉर एम्प्लॉय नंबर्स विद अप टू 1 लाख ऑन डिस्क 0। तो रेंज पार्टिशनिंग में हमारे पास 3 डिस्क है 0, 1, 2, और उसमें जो है 1 लाख तक जो रिकॉर्ड है वो डिस्क 0 पे स्टोर है, और टपल्स, टपल्स मतलब रिकॉर्ड, रिकॉर्ड और टपल एक ही चीज है। टपल्स फॉर एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर 1,01,150,000 ऑन डिस्क 1, और दूसरे डिस्क जिसको हमने एक कहा है उस दूसरे डिस्क पे 1,01,000 से लेकर के 1,050 तक रिकॉर्ड इंसर्ट होंगे, और जो है 1,50,000 प्लस 1 रिकॉर्ड जो है से लेकर के 2 लाख रिकॉर्ड तक वो डिस्क 2 पर जा करके स्टोर होगा। तो इसी तरीके से हम रेंज पार्टिशनिंग में जो है डिस्क के ऊपर रेंज स्पेसिफाई कर देते हैं, और उसी हिसाब से रिकॉर्ड जो है उस डिस्क के ऊपर स्टोर होता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो है हैश पार्टिशनिंग और रेंज पार्टिशनिंग ये सारा थ्योरेटिकल फॉर्म में है। जब मैं आगे 11G या 12C का डेटाबेस पढ़ाऊंगा तो उसमें पूरा मैं प्रैक्टिकली सारा कुछ करके वहाँ पर दिखाऊंगा कि डेटाबेस वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। तो वहाँ पर मैं बताऊंगा कि हैश पार्टिशनिंग को कैसे क्रिएट करते हैं और रेंज पार्टिशनिंग को या और जो पार्टिशनिंग होते हैं वो कैसे क्रिएट करते हैं। तो वो सब जब मैं प्रैक्टिकली आपको वहाँ पर करके दिखाऊंगा, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पार्टिशनिंग आ जाएगी। ये वीडियोस जो है मेरे ये सब थ्योरेटिकल फॉर्म में है, बस आपको थोड़ा सा ये बताना है, समझाना है कि डेटाबेस कैसे काम करता है, डेटाबेस में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स होते हैं। तो बाकी के जो आगे जब मेरा प्रैक्टिकल लेक्चर स्टार्ट होगा तो ओरिजिनल वीडियोस तो वहां पर आपके सामने आएगी। नेक्स्ट पार्टिशनिंग है हमारे पास राउंड रॉबिन पार्टिशनिंग। तो देखते हैं कि राउंड रॉबिन पार्टिशनिंग क्या होता है। तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिशनिंग स्ट्रेटजी। तो जितने भी पार्टिशनिंग है हमारे पास उसमें राउंड रॉबिन पार्टिशनिंग जो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पार्टिशनिंग स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि हेयर द डेटा आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू वेरियस डिस्क इन द फैशन। तो यहाँ पर वेरियस डिस्क के ऊपर जब डेटा को स्टोर किया जाता है तो एक फैशन में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो कैसे फैशन में डेटा को स्टोर किया जाता है? तो अगर हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्ड है तो फर्स्ट रिकॉर्ड जाएगा फर्स्ट डिस्क के अंदर, सेकंड रिकॉर्ड जाएगा सेकंड डिस्क के अंदर, और थर्ड रिकॉर्ड है तो थर्ड डिस्क के अंदर, एंड सो ऑन। और इसी तरीके से जितने रिकॉर्ड है मतलब जितने डिस्क है उतने रिकॉर्ड उन डिस्क के ऊपर स्टोर होता हुआ चला जाएगा। अब लेट सपोज इफ द नंबर ऑफ अवेलेबल डिस्क एन इज 10। अब मान लेते कि हमारे पास 10 डिस्क है। अब 10 डिस्क है तो रिकॉर्ड कैसे स्टोर होगा इन 10 डिस्क के ऊपर? तो फर्स्ट रिकॉर्ड जाएगा आपका फर्स्ट डिस्क के ऊपर, सेकंड रिकॉर्ड जाएगा आपका सेकंड डिस्क के ऊपर, उसके बाद जो है थर्ड रिकॉर्ड थर्ड डिस्क के ऊपर, फोर्थ रिकॉर्ड फोर्थ डिस्क के ऊपर, और इसी तरीके से चलते चलते जब 10th रिकॉर्ड आएगा तो 10th रिकॉर्ड जो है आपके पास जो है 10th डिस्क के ऊपर स्टोर हो जाएगा। बट जब 11th रिकॉर्ड आएगा आपके पास तो 11th रिकॉर्ड को स्टोर होने के लिए 11th डिस्क चाहिए, बट यहाँ पर 11th डिस्क नहीं है,
तो 11th रिकॉर्ड जो है अब शुरू से डिस्क वन पे जा करके स्टोर हो जाएगा, 12th डिस्क टू पे, 13th डिस्क थ्री पे, और ऐसे करके जब 10th वाला डिस्क आएगा तो वहाँ पर 20 रिकॉर्ड्स स्टोर हो जाएंगे, और 21st रिकॉर्ड जब आएगा तो अगेन वो फर्स्ट डिस्क के ऊपर स्टोर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि दिस स्कीम डिस्ट्रीब्यूट्स डेटा इवनली इन ऑल द डिस्क। इस तरीके से सारे रिकॉर्ड को, सारे डेटा को बराबर बराबर भागों में हर डिस्क के ऊपर जो है ये पार्टिशनिंग स्टोर करता है। अब नेक्स्ट जो पार्टिशनिंग है वो है लिस्ट पार्टिशनिंग, और ये लास्ट पार्टीशन है। तो देखते हैं कि लिस्ट पार्टिशनिंग में क्या होता है। तो लिस्ट पार्टिशनिंग इज यूज टू लिस्ट टुगेदर अनरिलेटेड डेटा इनटू पार्टिशन। तो लिस्ट पार्टिशनिंग में क्या होता है कि अनरिलेटेड डेटा, जो डेटा अलग अलग हैं, उसको अलग अलग पार्टीशन पर स्टोर होने के लिए जो है लिस्ट बनाई जाती है। कैसे, तो आगे समझते हैं। इट इज़ ए टेक्निक वेयर यू स्पेसिफाई ऑफ लिस्ट ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू फॉर पार्टिशनिंग की इन द डिस्क्रिप्शन फॉर इच पार्टिशन। तो इसमें क्या होता है कि जो है आप अलग अलग पार्टिशन बनाते हैं, जो है अलग अलग पार्टिशन बना करके, अलग अलग टाइप की डेटा की लिस्ट बना करके उस अलग अलग पार्टीशन के ऊपर स्टोर किया जाता है। तो लिस्ट पार्टीशनिंग का आप एग्जाम्पल समझिए तो आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक टेबल बनाता हूँ। तो टेबल का नाम मैंने कस्टमर बनाया है, और उसमें मैंने कॉलम के नेम डाले हैं, एट्रीब्यूट्स के नेम डाले मैंने, कस्टमर का कोड, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की सिटी, और कस्टमर के पास बैलेंस कितना है वो। तो ये चार कॉलम्स मैंने एक कस्टमर नाम के टेबल में बना दिया। और उसके बाद चूंकि मैं पार्टीशन बना रहा हूँ, इसलिए पार्टीशन बाय लिस्ट, और जिसके ऊपर भी लिस्ट पार्टीशन अप्लाई करना है उसका नाम, तो सिटी के ऊपर मैंने लिस्ट पार्टीशन अप्लाई करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा पार्टीशन, और पार्टीशन के बाद मैं क्या करूंगा, सिटी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लूंगा। कैसे, तो नॉर्थ इंडिया में कौन कौन से स्टेट आता है हमारा, तो नॉर्थ इंडिया में दिल्ली आता है और चंडीगढ़ आता है। तो एक पार्टीशन मैंने बना लिया नॉर्थ इंडिया का, और नॉर्थ इंडिया का पार्टीशन बना करके दिल्ली और चंडीगढ़ सिटी का नाम मैंने डाल दिया। तो अब जितनी भी इंफॉर्मेशन मेरा स्टोर होगा, तो दिल्ली और चंडीगढ़ वाली, मतलब जिस भी सिटी का नाम, जब रिकॉर्ड के अंदर जिस भी सिटी के नाम में दिल्ली और चंडीगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़ के सिटी का नाम आएगा, तो उसी दिल्ली और चंडीगढ़ वाले जो है सिटी में कस्टमर का नाम, सॉरी कस्टमर का कोड, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, और कस्टमर की सिटी जिसमें दिल्ली और चंडीगढ़ होगा, और कस्टमर का बैलेंस, ये सारा स्टोर होगा दिल्ली और चंडीगढ़, मतलब जिसका सिटी दिल्ली और चंडीगढ़ है उसी में जो है ये सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होगा। उसके बाद पार्टीशन ईस्ट इंडिया, अब ईस्ट इंडिया में कोलकाता है और पटना है। तो जब सिटी का, जब कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और उसमें सिटी का नाम कोलकाता और पटना आएगा, तो कोलकाता और पटना वाले में कस्टमर कोड, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की सिटी तो कोलकाता और पटना आएगा ही आएगा, और कस्टमर का बैलेंस कोलकाता और पटना वाले में जाकर के स्टोर हो जाएगा। उसी तरीके से पार्टीशन साउथ इंडिया नाम का पार्टीशन मैंने बनाया, तो साउथ इंडिया में हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई। तो जब सिटी का नाम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे और सिटी का नाम हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई, इनमें से तीनों में से कोई भी होगा, तो जो है कस्टमर कोड, कस्टमर का नेम, कस्टमर का एड्रेस, कस्टमर की सिटी तो वही हैदराबाद, बेंगलोर और चेन्नई होगा, इनमें से कोई एक भी एक होगा, और बैलेंस, तो ये जा करके हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई वाले स्टेट वाले
सारे साथ के जितने भी कॉलम नेम होंगे उसमें जा करके स्टोर हो जाएगा। और उसी तरीके से पार्टीशन वेस्ट इंडिया वैल्यूज, तो वेस्ट इंडिया में बॉम्बे और गोवा, तो सिटी का नाम जब रिकॉर्ड में सिटी का नाम बॉम्बे और गोवा होगा तो सारे रिकॉर्ड जो है, अगर बॉम्बे नाम आ रहा है तो बॉम्बे वाले जो है स्टेट के कोरस्पोंडेंट जितने भी कस्टमर कोड होंगे, कस्टमर नेम होंगे, एड्रेस होगा उसका, बैलेंस होगा, उसमें जा करके ये स्टोर हो जाएगा। तो ज़्यादा टफ नहीं है ये, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। और अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है, ये जो वीडियोस है ये सिर्फ थ्योरेटिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके सामने, आप बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो सके कि ये पार्टीशनिंग वगैरह क्या होती है, कौन कौन से पार्टीशनिंग होते हैं। जब 11C और 12C का डेटाबेस पढ़ाऊंगा तो सारी पार्टीशनिंग मैं प्रैक्टिकली वहां पर बना करके क्रिएट करके दिखाऊंगा, और उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पार्टीशन, डेटा की पार्टीशनिंग करनी आ जाएगी। तो पैरेलल डेटाबेस सिस्टम का जो ये फिफ्थ वीडियो लेक्चर है मेरा यहीं पे फिनिश होता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।